बेटियों को मर्दों वाले काम करते देखना समाज के एक बड़े हिस्से को आज भी मंजूर नहीं, लेकिन बेटियों की उड़ान को जब पंख लगते हैं तो वो समाज और खोखले विचारों की परवाह किए बगैर कुछ ऐसा कर जाती है जो पूरी औरत जात के लिए एक मिसाल बनती है। जी हाँ, ये हैं बरेली के महिला जिला अस्पताल में तैनात इलेक्ट्रीशियन मम्पी गंगवार, जो न सिर्फ बरेली के किसी सरकारी अस्पताल में काम करने वाली एक लौती महिला इलेक्ट्रीशियन है, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी एक लौती ऐसी महिला कही जाती है जो किसी सरकारी अस्पताल में इलेक्ट्रीशियन के पद पर तैनात। मूल रूप से मीरगंज तहसील के गांव सिहौर की रहने वाली मम्पी बताती हैं कि 6 साल की उम्र में बीमारी के चलते पिता छत्रपाल गंगवार का देहांत हो गया। पिता की मौत के बाद भाई राहुल और उनका पालन पोषण माँ लतिका लता ने किया। मम्पी की माँ ने तो लोग इंटरमीडिएट के बाद उन्हें ब्यूटिशियन बनने की सलाह दे रहे थे, लेकिन करंट से ऐसी दोस्ती हुई कि आज एक इलेक्ट्रीशियन के तौर पर पहचान मिली। मेरा नाम मम्पी गंगवार है और मैं जिला महिला चिकित्सालय में इलेक्ट्रीशियन को जनरेटर ऑपरेटर के पद पर तैनात हूँ। मैंने सन 2016 में ज्वाइन किया था। जैसे काफ़ी चीज़ें नहीं थी यहाँ पे, पहले मेन पैनल नहीं था, एक मतलब आग लग गई थी उसमें, मेन स्विच के जो वायर होते हैं खुले थे, उसके बाद से मेन पैनल लगा फिर, और जनरेटर ऑटोमेटिक नहीं था तो कभी कभी हमें हाथ से हैंडल से भी चलाना पड़ता था। कभी हमारा जो सपोर्ट करने वाला कोई स्टाफ नहीं है तो मुझे खुद भी सीढ़ी पे चढ़ के काम करना पड़ता था। आईटीआई कॉलेज में प्रवेश के पहले दिन पता चला कि उनकी कक्षा में सिर्फ 2 ही लड़कियों ने इस कोर्स में प्रवेश लिया था। 2014-15 में आईटीआई की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। इसके बाद मम्पी ने घर से दूर 2015-16 कोलकाता में सीआईटी कॉलेज से टीचिंग का कोर्स किया, जहाँ बेस्ट टॉपर के खिताब से नवाजी गयी। 2016-17 में यूपीसीसीसी परीक्षा पास करने के बाद महिला अस्पताल में इलेक्ट्रीशियन के पद पर तैनाती मिली। मैं सोचती थी कुछ अलग करूं, सब लोग तो जैसा लड़कियां एक जैसा ही करती हैं, मैंने सोचा कुछ अलग करूं जिसमें मतलब जेंट्स लोगों का ज़्यादा होता है, काम करते हैं इसमें, लेकिन मैंने कुछ अलग चुना कि अलग करूं। दूसरी महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि वो भी कर सकती हैं कुछ अलग। मैंने आईटीआई किया है सीवीगंज से, और सीटीआई किया है मैंने कोलकाता से, फिर मैंने इसका एग्ज़ाम दिया UP SSC के थ्रू, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ इसमें। मम्पी कहती हैं कि इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम करने का मकसद एक ही है, महिलाओं की उस झिझक को दूर करना, जिसके चलते ये समझा जाता है कि महिलाएं वो काम नहीं कर सकती जहां पुरुषों को दबदबा है। कहा जा सकता है कि बिजली के करंट से दोस्ती करने वाली मम्पी की ये मिसाल दूसरी महिलाओं में भी उम्मीद का करंट दौड़ाने का काम करेगी। बरेली से अमृत विचार के लिए शिवांग पांडे की रिपोर्ट।